अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, इस वीडियो को जो है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि खबर जो है आपके फ़ायदे की है। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी कुछ मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, और कहा जा रहा था उनके द्वारा कि महंगाई में जब इजाफा होता है तो हमारे डीए में इजाफा क्यों नहीं हो पाता है। तो लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि डीए जो है वो 42% कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी अब कहा जा रहा है कि 5% की बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। हालांकि ये मसौदा जो है केंद्र सरकार ने तैयार कर लिया था, लेकिन आपके फायदे की खबर ये है कि HRA में भी इजाफा होने वाला है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जहां पर जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर जो आप घर लेते हैं वो अलाउंस जो है केंद्र कर्मचारियों को मिलता था सरकार की तरफ से, कि अगर आप वहां पर घर लेते हैं तो वो जो पैसा है, वो जो आर्थिक सहायता है, वो केंद्र सरकार आपको देती थी। लेकिन HRA को लेकर भी लगातार यही तर्क दिया जाता है केंद्र कर्मचारी के द्वारा कि महंगाई के इस दौर में HRA में भी इजाफा जो है वो करना काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो विभिन्न राज्यों में सेवा दे रहे हैं और केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए केंद्र विभाग में जो है वो काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार में मसौदा तैयार कर दिया है, पूरी तरह से खाका जो है वो तैयार कर दिया है, जिसके तहत 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी। पहले एक्स कैटेगरी, फिर वाई कैटेगरी और उसके बाद जेड कैटेगरी, यानी कि 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा कि 3 कैटेगरी होंगी यहाँ पर HRA की बढ़ोतरी को लेकर। पहले जो है यहाँ पर 9% जो है HRA दिया जाता था, लेकिन अब जब वित्त मंत्रालय इसमें हरी झंडी देगा, जब वित्त मंत्रालय लगातार आपकी सहायता के लिए आगे, अगर आपकी ये मांग पूरी करेगा तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय जो है इसमें 3% की बढ़ोतरी करेगा, यानी कि जेड कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद वाई कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो वाई कैटेगरी में यहाँ पर कहा गया है कि 2% की बढ़ोतरी जो है HRA में होगी, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस में होगी। डीए में बढ़ोतरी की बात तो लगातार केंद्र सरकार कर रही है और राज्य सरकारें भी लगातार ये कह रही हैं कि देखिए हम मानते हैं कि केंद्र कर्मचारियों का डीए जो है वो बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ अब HRA की बढ़ोतरी जो है वो विभिन्न शहरों के बेस के आधार पर होगी, यानी कि कौन सा केंद्र कर्मचारी किस शहर में रहता है, वहां पर कितना उसको रेंट के तौर पर देना पड़ता है, यानी हाउस रेंट कितना देना पड़ता है, अगर वो किसी के घर में रहता है, किराए पर रहता है टेनेंट बनकर, तो वहां पर उसको कितना पैसा जो है वो चुकाना पड़ता है वहां पर रहने के लिए, उसके आधार पर यहां पर पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। और कुछ ही दिनों के बाद, ये मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कहा जा रहा है, कुछ ही दिनों के बाद आधिकारिक घोषणा जो है HRA को लेकर भी की जा सकती है, और संभावना ये जताई जा रही है कि 5% की बढ़ोतरी, यानी कि 42% से 47% जो है इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तमाम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि अब जो है लगातार केंद्र सरकार को हमारी तरफ भी नजरें टिकानी होंगी, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को सफल बनाने का काम जो है केंद्र कर्मचारी करते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं इसमें, और केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय की मदद से एक नई तरह से व्यवस्था लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो व्यवस्था जिसकी मांग जो है काफी लंबे समय से चल रही है। डेली अलाउंस में बढ़ोतरी करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको लेकर जो है लगातार जो है खुशी की लहर भी दौड़ने वाली है। इससे पूर्व मैंने आपको खबर दिखाई थी कि पेंशनर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और जो लोग सैलरी लेते हैं उनके लिए भी जो है डेली अलाउंस में बढ़ोतरी यानी कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब यहाँ पर व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा और वो बदलाव अच्छे होंगे, तो आपके लिए जो है यहाँ पर 5% से 47% जो है डीए कर दिया जाएगा। और HRA की अगर हम बात करें तो HRA में भी बढ़ोतरी की जाएगी। एक बार फिर से बता दूं कि 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। जिस शहर में आप रहते हैं उसके लिहाज से ही यहाँ पर आपको पैसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। एक अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि तमाम अलाउंसेस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए केंद्र कर्मचारियों की, तो उसको लेकर केंद्र सरकार अब विचार कर रही है और समय जो है वो नज़दीक है, और कुछ ही समय के बाद जो है केंद्र सरकार यहाँ पर इस एक मसौदे को, इस एक पूरी व्यवस्था को हरी झंडी जो है वो देने वाला है, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से तमाम केंद्र कर्मचारियों को रहा है। आप यूँ ही हमारे साथ बने, देखते विश्व जो मुसुहान के लिए।